गाइज आप सबको बता दें कि इस सीजन की सबसे बड़ी फाइट हुई है विक्की जैन और मुनव्वर फारूकी के बीच में, जिसके बाद जो है विक्की जैन को इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। फाइट के बाद कन्फेशन रूम में बुलाकर मुनव्वर फारूकी की टीम को मिला है बहुत बड़ा एडवांटेज। गाइज यहां पर टॉर्चर टास्क में सबसे पहले मुनव्वर फारूकी की टीम को जो है टॉर्चर किया गया था। जी हां गाइज, जिसके अंदर मुनव्वर फारूकी की टीम में थे मुनव्वर फारूकी, अरुण भाई, अभिषेक और मनारा चोपड़ा, और दूसरी टीम में थे विकी, अंकिता लोखंडे, आयशा और ईशा मालविया। और दोस्तों आप सबको बता दें कि टास्क शुरू होते ही विक्की जैन के ग्रुप ने भाई बहुत ही गंदी तरीके से टॉर्चर किया। गाइज यहां पर इन्होंने पहली बार बिग बॉस के अंदर मिर्ची का यूज किया। गाइज अभी तक जो है मिर्ची का यूज नहीं किया गया था टॉर्चर टास्क में, लेकिन गाइज इन्होंने जो है सारी पार कर दी और यहां पर इन्होंने मिर्ची का यूज किया, जिसकी वजह से बहुत ही गंदा डैमेज यहां पर उन्होंने कंटेस्टेंट को किया। गाइस यहां पर मुनव्वर फारूकी टीम वाले चीखते थक गए कि मिर्ची का इस्तेमाल मत करो, आंखें में मिर्ची जा रही है, लेकिन किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। और मनारा सिर्फ एक लौती उनके ग्रुप में लड़की थी, जिसकी वजह से उन्होंने सबसे ज्यादा जो है मनारा चोपड़ा को टॉर्चर किया, जिसके बाद गाइस इन चारों की आंखों में बहुत ही गंदी मिर्ची चली जाती है, जिसकी वजह से ये चारों जो है धीरे धीरे करके गिव अप कर देते हैं। और गाइस इनके जो है खिलौनेपन की हदें यहाँ तक नहीं खत्म होती। गाइस टास्क के बाद ये जो है आयशा और अंकिता लोखंडे वहां पर मनारा चोपड़ा को, जी हाँ गाइस मनारा चोपड़ा को वो मजाक उड़ा रहे थे, मनारा चोपड़ा पर हंस रहे थे और यहाँ पर ये नकले भी उतार रहे थे कि किस तरह ये चिल्ला रहे थे। गाइस इंटरेस्टिंग बात अब शुरू होती है। गाइस यहाँ पर जैसे ही इनकी बारी आने वाली होती है तो ये सारे किचन का सामान जितने भी इक्विपमेंट है सब छुपा देते हैं, यहाँ तक कि विक्की जैन बकेट को जो है रूफ पर फेंक देते हैं। और मुनव्वर फारूकी जब छत से जो है बकेट निकालने को लगते हैं तो वहां पर विक्की जैन आ जाते हैं और मुनव्वर फारूकी को जो है उनके हाथ में से डंडा खींचने लगते हैं। मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि मैं गिर जाऊंगा, यहाँ पर तक के मुनव्वर फारूकी गिरने भी लगते है, भाई वो गिरते गिरते बच जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर विक्की जैन और मुनव्वर फारूकी की बहुत ही गंदी फाइट हो जाती है। गाइज यहाँ तक के इनकी मारपीट तक की नौबत आ जाती है। मुनव्वर फारूकी भाई बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं विक्की जैन पर और वो बोलते हैं कि तू सारी हदें पार कर रहा है, तू टास्क के रूल को ब्रेक कर रहा है, हमारे सामान को तू क्यों छुपा रहा है, किचन का सामान हमारा भी था फिर भी तूने सारा सामान छुपा दिया, और जब हम ये सामान निकाल रहे हैं तो तुझे दिक्कत क्यों हो रही है। और यहाँ पर इनकी बहुत ही खतरनाक फाइट हो जाती है। जी हां गाइस यहां पर विक्की और मुनव्वर फारूकी की बिग बॉस के सीजन की सबसे पहली फाइट है और सबसे डेंजरस फाइट, जिसके अंदर जो है मुनव्वर फारूकी विक्की की कॉलर तक पकड़कर खींच लेते हैं। विक्की यहां पर मुनव्वर फारूकी को कहता है कि तू एक नंबर का घटिया इंसान है, जिसके बाद जो है मुनव्वर फारूकी विक्की से कहते हैं कि अब तेरे दिन भी भर चुके हैं, तुझे भी मैं टर्नल तक छोड़कर आऊंगा। गाइज यहां पर मुनव्वर फारूकी की टीम के साथ बहुत ही बड़ी नाइंसाफी होती है, जिसकी वजह से जो है बिग बॉस विक्की जैन के ग्रुप को पनिश्ड करते हैं। बिग बॉस ने यहां पर साफ कह दिया कि यहां पर तुमने जो है टास्क शुरू होने से पहले सामान छुपा दिया है, जिसकी वजह से सामने वाली टीम के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हो रही है। अगर तुम्हें अपने अंजाम का इतना ही खौफ था तो फिर तुमने इतनी बुरी तरीके से सामने वाली टीम को टॉर्चर किया ही क्यों। और इस सब सीन के बाद जो है मुनव्वर की टीम को बिग बॉस आर्काइव रूम में बुलाकर इन्हें बहुत बड़ी पावर देते हैं। जी हां गाइस, जिसे सुनने के बाद विक्की जैन के ग्रुप वालों के सबके होश उड़ जाते हैं। यहां पर अभिषेक और मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि बिग बॉस आपका शुक्रिया, आपने हमारे लिए स्टैंड लिया, जिसके बाद जो है मुनव्वर फारूकी के ग्रुप में से अभिषेक, मनारा, अरुण भाई और मुनव्वर फारूकी आर्काइव रूम में चले जाते हैं। और भाई यहां पर विक्की जैन के ग्रुप वाले बाहर बैठे हुए होते हैं और यहां पर आर्काइव रूम में मुनव्वर फारूकी के ग्रुप को पावर दी जाती है कि आप चारों आपस में डिसाइड कर लो कि आपको सामने वाली टीम के साथ कंपटीशन करना है, टास्क खेलना है, अपना टास्क कंप्लीट करना है, या फिर आप उन्हें सीधे डायरेक्ट एलिमिनेशन में भेज सकते हो, डायरेक्ट सीधे नॉमिनेट कर सकते हो। ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं, जहां पर मुनव्वर फारूकी कहते हैं कि नहीं, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत जुल्म किया है, हमें बहुत गंदी तरीके से टॉर्चर किया है, हम भी उन्हें टॉर्चर करेंगे, टास्क कंप्लीट करेंगे। और फिर यहां पर मनारा चोपड़ा कहती है हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, हम सीधे उन्हें नॉमिनेट कर देते हैं। और फिर चारों जो है आपस में डिसाइड कर लेते हैं और यहाँ पर बिना टास्क कंप्लीट किए ही चारों को नॉमिनेशन में भेज दिया जाता है और इसका सारा जो है रीज़न सिर्फ और सिर्फ विक्की जैन होते हैं। और यहाँ पर विक्की जैन के ग्रुप वाले उन पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि ये सारी प्लानिंग विक्की जैन की ही थी और यहाँ पर विक्की जैन की वजह से इनके पूरे ग्रुप को भुगतान भरना पड़ रहा है। और इस तरह ये चारों अब जो है एविक्ट होने के लिए नॉमिनेट हो चुके हैं। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है इन चारों में से कौन यहाँ पर एविक्ट होगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।